हम सब खुश हैं, आनंदित हैं, हालेलुया, आमीन। मौसम का मजा ले रहे हैं, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं इस बारिश के लिए। कितना महान है पिता है, समय से बारिश देता है, समय से धूप निकालता है, अद्भुत है। उसके कार्य में कहीं कोई कमी नहीं है, आमीन। हर मौसम में अपने आप बारिश आ जाती है, अपने आप धूप निकलती है, हालेलुया। कितना प्रभु हमारा दयालु है, कितना ख्याल रखता है। आप सोचिए कि कितना ख्याल रखता है वो आपका। हर मौसम में अलग अलग फूल, अलग अलग सब्जियां, आप सोचिए, और वो भी आपके स्वाद के मुताबिक। जो आपका स्वाद है उसके हिसाब से उन्होंने बनाई है सब्जियां, फल, फ्रूट। आमीन। आप सोचिए, साइंटिस्ट जितने भी साइंस तरक्की कर ले, आज तक कोई एक फल नहीं उगा पाए, कोई एक नई सब्जी नहीं उगा पाए। वो परमेश्वर है, और हर सब्जी में उसी का बीज है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से आज आप में बीज है, हर इंसान में बीज है। हालेलुया। औरत में प्रजनता का बीज है, प्रोड्यूस का बीज है। हालेलुया। आदमी में प्रोडक्शन का बीज है। बीज है, यूं ही नहीं बनाया है आपको, यूं ही नहीं खड़ा कर दिया उसने, आपके लिए योजना है। आज का जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है ना, अद्भुत है, अद्भुत, अद्भुत है। आपका जीवन बदल जाएगा, मैं सच कह रहा हूं, आपका जीवन बदल जाएगा। अगर ध्यान से आपने इस वचन को आज समझ लिया, अगर आपने इस वचन को, मैं आपको सच कह रहा हूं, आपके अंदर से डर निकल जाएगा, एक अद्भुत संतुष्टि और आनंद का अनुभव होगा। 24 घंटे आपको अनुभव होगा। अगर आज आपने इस वचन को समझ लिया। मैंने आपको कई बार बताया है कि यीशु का स्वभाव परमेश्वर चाहता है हम में आए। हालेलुया। यीशु का स्वरूप हम में आए, स्वभाव हम में आए, वो यही चाहता है। अपने पुत्र का स्वभाव हम में डालना चाहता है। आज मैं आपको एक बात और बताता हूं, इस बात को नोट रख लीजिए, जो मैं कह रहा हूं उसको समझ लीजिए। अगर यीशु का स्वभाव आप में है, आप गरीब नहीं रह सकते। मैं चैलेंज करता हूं, अगर यीशु का स्वभाव आप में है, आप गरीबी जिंदगी नहीं बिता सकते। आप नहीं जानते उस स्वभाव में कितनी शक्ति है। आप अगर गरीब हैं, क्योंकि यीशु का स्वभाव आप में नहीं है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं परमेश्वर का सेवक हूं, कोई मुझे गरीब नहीं बना सकता। मैं आशीषित इंसान हूं, मैं कोई काम नहीं करता हूं 18 साल से, सिर्फ परमेश्वर की सेवा करता हूं। दिन रात प्रभु की उपस्थिति में रहता हूं, मनन करता हूं वचनों को, कोई गलत काम नहीं करता हूं, कोशिश करता हूं हर एक की भलाई करूं, यीशु का स्वभाव के अनुसार मैं चलूं, बस कुछ नहीं करता हूं। और मैं बहुत आशीषित हूं, बहुत आशीषित हूं। आपको चिंता होगी आपकी नौकरी की, आपको चिंता होगी अपने घर के राशन की, मुझे नहीं है। मेरी पत्नी कहती है राशन करो, चलो ये लाना है, चलो पूछिए, क्योंकि मेरा जीवन मेरे लिए नहीं है, मैं दूसरों के लिए अपना जीवन रखता हूं, परमेश्वर के अनुसार मैं अपने जीवन को बिताता हूं। अगर परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे, आप गरीबी में जी ही नहीं सकते। मैं आपको चैलेंज करता हूं,
चैलेंज करता हूं, आप इस बात को समझ के देखिए, अगर परमेश्वर का भय आपके अंदर है, अगर उसके आज्ञाएं आपके अंदर हैं और आप उसके अनुसार चल रहे हैं, आप गरीब नहीं रह सकते, आप चाहकर भी गरीब नहीं रह सकते। आप क्या समझते हैं प्रभु के वचनों को? जो वचन मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप उन वचनों के अनुसार चलें, ध्यान से समझिए, जो मैं आपको को वचन बताता हूं, अगर आप उन वचनों के अनुसार चलेंगे, आपके जीवन में, आपके घर में अद्भुत आशीषें रहेंगी। मैं चैलेंज करता हूं, इन वचनों में इतनी शक्ति है, सिर्फ आप इन वचनों को ध्यान से समझिए जो मैं बोलता हूं। मैं आपको सच कह रहा हूं, आपके पड़ोसी आपसे ईर्ष्या करेंगे कि क्या करते हो तुम भाई, कहां से लाते हो, क्या है। चैलेंज करता हूं मैं आपको, अगर आप जो वचन मैं बोलता हूं उस वचन के अनुसार आप चलेंगे, आपके जीवन में अद्भुत अद्भुत आशीष बहेगा। अब ये आपके ऊपर है, जो मैं बताता हूं उसके अनुसार चलिए। बस अपने आप में यीशु का स्वभाव आएगा। जब मैं आपको बताऊंगा तो आप में यीशु का स्वभाव आएगा, और जब यीशु का स्वभाव आप में आ गया मेरे भाई मेरी बहन, शैतान आपसे दूर भागेगा। ये महंगाई, ये कर्ज, कुछ भी आपका नहीं बिगाड़ पाएंगे। आज मैं आपको बताऊंगा, आप नहीं जानते परमेश्वर के वचनों में कितनी ताकत है, परमेश्वर का वचन क्या बोल सकते हैं। यूं ही यीशु मसीह ने नहीं कहा कि इंसान रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से जीवित रहेगा, यूं ही नहीं कहा उसने, उस वचन में जीवन है, यूं ही नहीं कह दिया यीशु मसीह ने। आपका जीवन वचन पर है। अगर ये वचन जो मैं बोल रहा हूं, जो बाइबल में है, उन वचन के अनुसार अगर आपने जीवन को बिताएंगे और आप सोच लेंगे कि नहीं, अब मुझे इस वचन के अनुसार चलना है, मैं आपको सच कह रहा हूं, अद्भुत आपके जीवन में आशीषों की बारिश होगी। यस, आपके पड़ोसी नहीं समझ पाएंगे, आपके रिश्तेदार नहीं समझ पाएंगे, आपके दोस्त नहीं समझ पाएंगे, और आप खुद नहीं समझ पाएंगे कि हो क्या रहा है यार, कैसी आशीषें मुझे मिल रही हैं, क्योंकि वो आशीषें आपको दे चुका है। इफिसियों 1:3, वो आत्मिक आशीषों से आपको भर चुका है, लेकिन आपके जीवन में काम नहीं कर रही वो आशीषें। क्यों नहीं काम कर रही हैं? क्योंकि आप उन वचनों को अपने अंदर नहीं ले रहे हैं, उन वचनों के अनुसार आप काम नहीं कर रहे हैं, आप वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं, इसलिए वो आशीषें आपके जीवन में काम नहीं कर रही हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप परमेश्वर के प्रेम के बारे में आपने सुना होगा कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि परमेश्वर का प्रेम सिद्ध है। परमेश्वर का प्रेम सिद्ध है। परमेश्वर का प्रेम ना बदलने वाला है, वो एक सा है और वो अद्भुत है, वो अद्भुत है, उसका प्रेम नहीं बदलता है। आज मैं आपको बताऊंगा, आपका विश्वास परीक्षाएं कमजोर करती हैं क्योंकि आप महसूस करते हैं कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए बदल गया। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर का प्रेम सिद्ध है। पहला यूहन्ना 4:18 पढ़िए, 1 John 4:18। प्रेम में भय नहीं होता, हाँ? वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। परंतु सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है। आपके अंदर भय क्यों आता है? संदेह आता है,
भय आता है, व्याकुलता आती है, क्यों आता है? क्योंकि आप उस सिद्ध प्रेम को नहीं जानते हैं, आप उस सिद्ध प्रेम को नहीं समझ रहे हैं जो परमेश्वर का प्रेम है आपके लिए। परमेश्वर का प्रेम आपके लिए सिद्ध है और वचन कहता है कि सिद्ध प्रेम में भय निहित नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक आदमी किराए के मकान में रहता था और उसने बहुत दिनों से किराया नहीं दिया था। मालिक मकान आया, उसने कहा भैया कल दोपहर को 12 बजे तक इस मकान को खाली कर देना। कोर्ट से रजिस्टर लेके आया, सब कुछ ऑर्डर लेकर आया, कल 12 बजे तक आप ये मकान खाली कर देंगे क्योंकि आपने 6 महीने से किराया नहीं दिया। अब उस आदमी के 3 साल का बच्चा था। प्रेज़ द लॉर्ड। उस आदमी के, जिसको मकान खाली करने के लिए कहा गया था, उसके 3 साल का बच्चा था। अब रात को 12 बजे पूरा परिवार बैठा हुआ है कि हम कल कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे भैया, कहाँ जाएंगे। वो 3 साल का बच्चा सो रहा है। 3 साल का बच्चा सो रहा है। उसको उठाया गया, भाई तुझे पता है कल मकान खाली करना है, तू कहाँ जाएगा? कहता मुझे नहीं पता, पापा से बात करो आप, पापा बताएंगे आपको कहाँ जाना है, मुझे नहीं पता, मुझे सोने दो। हेलो, उसको नहीं पता कि कहाँ जाना है उसे। उसका भरोसा किस पर है? पिता पर, उसके प्यार पर कि मेरा पापा जहां भी जाएगा मुझे लेके जाएगा, यहां रहूं या वहां रहूं पापा के संग रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये प्रेम हमको पता लग होना चाहिए। ऐसा ही प्रेम पिता का है, हमारे अंदर ऐसा ही प्रेम होना चाहिए। परीक्षा है, प्रॉब्लम्स हैं, अरे मेरा पापा है, वो संभालेगा। हालेलुया, वो संभालेगा। वो है स्वर्गीय पिता है, वो रचयिता है, वो जानता है मुझे मेरे जीवन में क्या होना है। फैसल मुझे नहीं पता है, मुझे तो बस उसका पुत्र बन के रहना है। हेलो, क्योंकि उसका प्रेम सिद्ध है और उसने बताया है अपने इकलौते पुत्र का आपके लिए बलिदान करके। रोमियो 8:31, अपने इकलौते पुत्र का बलिदान करके उसने बताया है कि वो आपसे सिद्ध प्रेम, सच्चा प्रेम करता है, सच्चा प्रेम करता है। हालेलुया। बोलिए 8:32, जिसने अपने नीच पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। आमीन। अब देखिए पिता का, परमेश्वर का प्रेम, जिसने अपने निज पुत्र को, अपने इकलौते पुत्र को आपके लिए नहीं रख छोड़ा, दे दिया, बलिदान कर दिया, वो आपको सब कुछ क्यों नहीं देगा? वो आपको नौकरी क्यों नहीं देगा? आपका धंधा क्यों नहीं बढ़ाएगा? आपके कर्जों से मुक्त क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा वो? ये बात हमारी समझ में क्यों नहीं आती है? जब वो अपने इकलौते पुत्र का बलिदान कर सकता है आपके लिए, वो यीशु जिसमें पाप नहीं था। 2 कुरिन्थियों 5:21 पढ़िए, उसमें पाप नहीं था, वो पाप से अनजान था। वो यीशु जो इसका पुत्र था, पिता का पुत्र था, वो यीशु पाप से अनजान था, वो हमारे लिए पाप ठहराया गया। पढ़िए, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। क्यों? कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। आमीन। कि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। वो पाप, उसने पाप ले लिया और अपनी धार्मिकता दे दी। आप सोचिए उसके प्रेम के बारे में, ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं।
Amen. जो हमसे इस तरीके का प्रेम कर सकता है, क्या वो मेरी जिंदगी में हर कदम पर मेरे साथ खड़ा नहीं हो सकता है? वो पिता बनकर, वो मां बनकर मेरी रक्षा नहीं कर सकता है? मेरे जीवन में, आपके जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं, सब उसको पता है, उसको सब कुछ पता है, उसको सब कुछ पता है। अज्ञानी नहीं है वो, वो सर्वस्व ज्ञान कर रखता है, उसको सब कुछ पता है। आपका यहां पर आना, रहना, प्रभु में समर्पित होना, सब कुछ उसके अनुसार चल रहा है। आपको उसकी योजनाओं पर विश्वास करना है और आपको उसके प्रेम पर विश्वास करना है। हालेलुया, प्रेम पर विश्वास करना है। यिर्मयाह 1:5 निकालिए, यिर्मयाह 1:5। क्यों ना विश्वास करें हम? प्रेज द लॉर्ड। गर्भ से रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। गर्भ में रचने से पहले, आपकी मां के गर्भ में आपके आने से पहले उसने आप पर मन लगाया। आमीन। ये मन तो आपकी मां ने भी नहीं लगाया होगा, आपके पिता ने भी नहीं लगाया होगा। गर्भ में आने से पहले परमेश्वर आपको इस गर्भ में भेज रहा है, उसके लिए उसने आप पर चित्त लगाया। आगे, और उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया। आमीन, हालेलुया। उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया, आपको अपना बनाया उसने, ये मेरा है। लेकिन आप संसार में आकर भूल गए, आपका अभिषेक किया। हिज माइंड। भजन संहिता 139:16 पढ़िए, भजन संहिता 139:16 जल्दी पढ़िए। तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा। तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को, जिसका कोई आकार नहीं था, जो बेडोल था उसको देखा। आगे, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। आमीन, आमीन। मेरे अंग बनने से पहले तूने अपनी पुस्तक में, जीवन की पुस्तक में मेरे बारे में लिखा है। आगे, 139, तेरी आंखों ने मेरे मेडोल तत्व को देखा और मेरे लिए जो दिन नियुक्त किए गए थे वे सब तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे, जबकि उनमें से एक का भी अस्तित्व नहीं था। कोई अस्तित्व नहीं था उससे पहले, तब तूने मेरा नाम लिखा हुआ है। मेरा इस दुनिया में अस्तित्व नहीं था, तब तूने मुझ में मन लगाया है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। जब आपका अस्तित्व नहीं था, अगर तब उसने आप पर मन लगाया है, तो सोचिए वो आपसे कितना प्रेम करता है। विश्वास का वरदान क्या है आपको पता है? विश्वास का वरदान क्या है? गलतियों 2:20 पढ़िए। इसमें मैं एक शब्द आपको लिए ठीक करूंगा। गलतियों 2:20 ध्यान से पढ़िए, जल्दी पढ़िए। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब तो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। अब इसको देखिए ध्यान से, इस वचन को, और अब मैं जो शरीर में जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र का है। पर की जगह का लगाइए, ईशु का विश्वास की बात कर रहा है यहां पर। हमारे अंदर भी ईशु ऐसा विश्वास होना चाहिए, पिता जो कह रहा है मैं सुन रहा हूं, पिता जो कहता है मैं वह करता हूं। वो एक पल भी बिना पिता के नहीं रहा है। हमारे अंदर पिता पुत्र का विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए, पुत्र जैसा विश्वास हमारे, यही तभी तो स्वरूप चाहिए वह, तभी तो वो कहता है 8:29 में, रोमियो 8:29 कि ईशु जैसा स्वरूप, ईशु जैसा स्वभाव हम में होना चाहिए। यही तो उसका स्वभाव का सबसे बड़ा था कि
परमेश्वर के पुत्र का जो विश्वास है वो मुझ में है, जो यीशु का विश्वास था अपने पिता के ऊपर। गसमनी के समय पिता कहता, पुत्र कहता कि पिता मैं इस प्याले को नहीं पी सकता, दुनिया का पाप मैं अपने ऊपर नहीं ले सकता। पिता कहता नहीं, तुझे लेना होगा, तुझे लेना होगा। ओके, उसने प्याला लिया। आमेन। मेरा जो विश्वास होना चाहिए वो यीशु जैसा होना चाहिए, मेरे अंदर विश्वास यीशु जैसा, तभी तो वो अपने पिता को पेश कर पाया, तभी वो संसार के सामने अपने पिता को प्रकट कर पाया, तभी तो यीशु ने पिता के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी, तभी तो वो योजनाएं पूरी हुई। इसलिए पहला यूहन्ना 4:18 कहता है कि जो परमेश्वर के सिद्ध प्रेम में चलता है उसके अंदर भय नहीं होता है, उसके अंदर भय नहीं होता है। याकूब 1:12 निकालिए, याकूब 1:12। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। परमेश्वर को पता है कि परीक्षाएं आएंगी, आप संसार में हैं, परीक्षाएं आएंगी, आप परीक्षाओं में रहेंगे, पर इंसान को, परमेश्वर को पता है। लेकिन जो इंसान विश्वास करता है कि मेरे पिता का प्रेम मेरे लिए सिद्ध है, जो इंसान विश्वास करता है कि पिता का प्रेम मेरे लिए सच्चा है और वो कभी नहीं बदलने वाला, वो परीक्षा में स्थिर रहता है। कोई भी परीक्षा आएगी वो स्थिर रहता है। विश्वास करिए, सुनिए, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि खरा निकलकर वो जीवन के उस मुकुट को प्राप्त करेगा जिसे प्रभु ने अपने प्रेम रखने वालों को देने की प्रतिज्ञा की है। किसको मिलेगा मुकुट? जो ये विश्वास करेगा कि परमेश्वर का प्रेम मेरे लिए सिद्ध है, परमेश्वर का प्रेम मेरे लिए सच्चा है, मैं आज जगमगाया हुआ हूं, आज मैं परीक्षा में हूं नहीं हूं, आज मेरे पास नौकरी नहीं है, इसका मतलब क्या मेरे पापा का प्रेम कम हो गया क्या? हो सकता है उसकी योजना मेरे लिए कुछ हो सकता है मेरा पति नहीं सुधर रहा है, तो इसका मतलब क्या मेरा पिता का जो प्रेम है कम है क्या? नहीं, उसका प्रेम सच्चा। वो क्या मनुष्य है क्या? आज ऐसा प्रेम करेगा, कल दूसरा प्रेम करेगा, ऐसा करेगा, वो मनुष्य है क्या? वो परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। अय्यूब को देखिए आप, अय्यूब का पढ़िए, जोब 23:10-11-12 देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, आपका जीवन बदल जाएगा, बता रहा हूं मैं आज। अपने जीवन को बदलिए, यहां से पिता के प्रेम को समझ कर जाइए, आपके लिए कोई भी परीक्षा, कोई भी बीमारी, कोई काम नहीं करेगी, कोई सामने आपके सामने व्याकुलता नहीं लेकर आएगी। जब यीशु का प्रेम आपके अंदर है, जब परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर है, जब आप ये जान गए हैं कि परमेश्वर का प्रेम नहीं बदलता है मेरे लिए, चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर का प्रेम मेरे लिए कभी नहीं बदलेगा। मेरे पास काम नहीं है, कोई बात नहीं, बीमार हूं, कोई बात नहीं, इसने छोड़ दिया, उसने छोड़ दिया, सबने छोड़ दिया, लेकिन मेरा पिता का प्रेम मेरे लिए एक सा है। उसने जो मेरे लिए योजनाएं बनाई हैं वो अद्भुत हैं और वो पूरी होंगी क्योंकि उसने बनाई है, इसलिए मुझे उन योजनाओं के अनुसार चलना है। पढ़िए जोब 23:10। परंतु वो जानता है कि मैं किसी चाल चला हूं, और जब वह मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। सब कुछ चला गया जोब का, इतनी कठिनाइयां, इतनी परीक्षाएं, इतनी तकलीफ आप में से किसी के जीवन में नहीं होंगे, मेरे जीवन में नहीं, किसी के जीवन में नहीं होंगे। आप जोब की कहानी को जानते हैं, 1 घंटे के अंदर उसका सब कुछ बर्बाद हो गया था, सब कुछ, बच्चे भी, पैसा भी, नौकर चाकर, मवेशी, सब कुछ, और उसको कोड़ हो गया। लेकिन वो क्या कहता है,
दोबारा पढ़िए मेरा मेरी बहन जोब का 23। परंतु वो जानता है कि मैं किस कैसी चाल चला हूँ। आमेन। वो जानता है, उसका सब कुछ चला गया। दोस्त कह रहे हैं तू गलत है, दोस्त कह रहे हैं तूने पाप किया होगा, बीवी कह रही है तू निंदा कर, वो कह रहे हैं नहीं ठीक है, आज मैं बीमार हूँ, ठीक है आज मेरे पास नौकरी नहीं है, ठीक है आज मेरे मवेशी खत्म हो गए हैं, मेरा बस सब कुछ छिन गया, मैं गरीब हो गया हूँ, ठीक है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरा पिता वो नहीं बदलेगा, लेकिन मैं जानता हूं कि उसके अंदर जो मेरे लिए प्रेम है वो नहीं बदलेगा। दुनिया बदल सकती है, मेरा प्रेम यीशु का प्रेम नहीं बदल सकता है। इसलिए वो कहता है कि जब वो मुझे परख चुकेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। आमेन। आप जानते हैं परमेश्वर का प्रेम क्या है? अगर आप परमेश्वर के प्रेम पर विश्वास करेंगे मेरे भाई, वही आपकी शक्ति है, वही आपकी आशा है। मेरे पिता का प्रेम सच्चा है, मेरा पिता मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करता है। बाइबल कहती है कि मां छोड़ सकती है लेकिन वो पिता नहीं छोड़ सकता है। हालेलुया, कोई भी छोड़ सकता है, इसलिए मेरे पिता का प्रेम मेरे लिए सच्चा है और वो मेरे जीवन में पूरा होगा। हालेलुया। कैसी भी स्थिति आए, कैसी भी परीक्षाएं आए, 11वां पढ़िए इसका 11वां। मेरे पैर उसके मार्गों में स्थिर रहे। हाँ, क्यों उसे विश्वास है? आपको अविश्वास क्यों है? आपको संदेह क्यों होता है? क्योंकि आपके माँ आपके पैर उसके मार्ग पर नहीं है, इसलिए आपके अंदर डर आता है। अगर आपके पैर उसके मार्ग पर हैं, अगर आपके पैर उसके मार्ग पर स्थिर हैं, पढ़िए बेटा दोबारा पढ़िए। मेरे पैर उसके मार्गों में स्थिर रहे। हाँ। और मैं उसी मार्ग बिना मुड़े थामे रहा। आमेन। बिना मुड़े मैंने उन मार्गों को थामे रहा हूं। अगला पढ़िए 12वां। उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं न हटा। हाँ। और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखे। आमेन। मैं उसकी आज्ञाओं पर चलने से नहीं हटाऊं। आपको क्या करना है? सिर्फ यही करना है। परमेश्वर का प्रेम आपके लिए सिद्ध है, वो कभी बदलेगा नहीं। आपके जीवन में वो काम क्यों नहीं कर रहा है उसका प्रेम, और या आप महसूस क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आपका डर आपको महसूस करने नहीं दे रहा है। आप उसके मार्ग पर चल नहीं रहे हैं, आप स्थिर नहीं हैं, आप डगमगा रहे हैं, आप संसार में जा रहे हैं, आप बहक रहे हैं। याकूब 1:13 निकालिए, 13 और 14। जेम्स 1:13-14। पाप क्यों आता है? आजमाइशें क्यों आती हैं? परीक्षाएं क्यों आती हैं? देखिए आप 1:13, अभी आपने पढ़ा था, धन्य है वो जो परीक्षा में स्थिर रहता है। उसका अगला पढ़िए 13वां। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। यही आप लोग कहते हैं, आप लोग यही कहते हैं कि परमेश्वर नहीं कर रहा है। वो कहता है कि जब आप परीक्षा में पढ़े तो ये ना कहिए कि ये परीक्षा परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर परीक्षा नहीं करता है, क्यों करेगा परमेश्वर परीक्षा? आप कौन है? आप उसका क्या ले लेंगे? आपकी कमजोरी वो जानता है, आप उसके सामने खुली किताब हैं। किस चीज की परीक्षा करेगा वो आपकी? किस चीज की परीक्षा करेगा मुझे बताइए? क्यों परीक्षा करेगा आपकी? हालेलुया। इसका 14वां बताइए, 14वां। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींच कर और फंस कर परीक्षा में पड़ता है। आप अपनी ही अभिलाषाओं से खींच कर, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप ये काम करें। देखिए एक चीज बता दूं, जब आप प्रभु में रहते हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। जिस दिन आप ये समझ गए कि मेरे जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा ये है, उसमें अगर हो सकता है आपका नुकसान भी है, सह लो। आपको दुख हो रहा है, सहन कर लो, क्योंकि क्या पता परमेश्वर की आपके लिए आने वाले वक्त में जो योजनाएं हैं वो ऐसी हैं, जब आप पाएंगे तो आप कहेंगे धन्यवाद कि मैं वहां पर नहीं फंसा। प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया। रूत क्या थी? रूत विधवा थी। नोमी ने कहा चली जा अपने घर पे भाई, उसका घर बहुत बड़ा था, वो शादी कर सकती थी, मां बन सकती थी, उसके माँ बाप थे अच्छे खानदान के थे। उसने कहा मुझे प्रभु चाहिए। हालेलुया। और वो बैतलम में आ गई, बैतल में आ गई। हालेलुया। और वहां पर आकर परमेश्वर की इच्छा से चली, सिला बेचने लगी, सिला बीनने लगी, सिला बीनने लगी। उसने अपना कर्तव्य पूरा निभाया, अपनी नोमी का, अपनी सास का एक बेटे की तरह पालन पोषण किया, और परमेश्वर की योजनाएं उसके जीवन में काम हुई, और उसका बोआस से शादी हुई, और रूत और बोआस का नाम यीशु मसीह की वंशावली से जुड़ गया। मैं उसके सामने खुला था, रास्ता खुला था कि जा भाई तू किसी से शादी कर, आराम कर। अगर परमेश्वर की योजनाएं आपके सामने हैं उसका मान करिए। चाहे आपका आपको दुख हो रहा है, चाहे आप समझ रहे हैं कि आप ये योजनाएं परमेश्वर की आपके खिलाफ हैं, हो सकता है आपको लग रहा हो कि ये परमेश्वर के खिलाफ योजनाएं जो हो रहा है ये मेरे खिलाफ हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर निर्दलीय नहीं है, वो दयालु है। वो अगर आपको एक दरवाजे से हटाएगा ना तो वो ऐसी जगह खड़ा करेगा जहां पर आपके लिए सिंहासन होगा, याद रखिए। और अगर आप तब तक स्थिर रहे, खड़े रहे, तो आप मुकुट पहनेंगे। धन है वो जो परीक्षाओं में स्थिर रहता है। याद रखिए आपके जीवन, सबके जीवन में परीक्षाएं आती हैं। परीक्षाएं क्या हैं? जो आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिल रहा, ये तो परीक्षा आपके लिए। आप परीक्षा देने जानते हैं ना, एग्जाम। आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ये आपकी परीक्षा है। आपको आ रहा है, कोई बात नहीं, लिख दिया आपने। तो जो आपको नहीं मिल रहा है वो आपके लिए परीक्षा है, लेकिन परीक्षा में स्थिर रहकर मुकुट प्राप्त करना ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा उनके लिए है जो परमेश्वर जो प्रेम करते हैं, जो उसके प्रेम को समझते हैं। मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर ये भाई ये बहन कोई समझ रहा है उसका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। मैं आपको सच कह रहा हूं, ये जो वचन मैं बोल रहा हूं अगर आप उसको ध्यान से अपने मन में उतारेंगे, आपके जीवन में आप देखिएगा उन्नति ही उन्नति होगी। मैं यही नहीं बोल रहा हूं, आत्मिक और शारीरिक रोग दोनों तरीके से आप बढ़ेंगे, दोनों तरीके से आप बढ़ेंगे, और ऐसे बढ़ेंगे कि आप सोच नहीं सकते। इसलिए वो कहता है कि जो परीक्षाएं हैं, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा द्वारा खींचकर व फंसकर परीक्षा में पड़ता है। परमेश्वर की ओर से नहीं आती है परीक्षा। हालेलुया। यूसुफ के सामने अभिलाषा थी, उसके सामने आई थी उसकी बीवी, पोतीपर की बीवी, मालकिन थी, अकेला था, पोतीपर ने पूरा अपना दरबार पूरा उसने दे दिया था। अड़चन क्या थी? बीवी, बीवी भी उसके साथ रहने के लिए तैयार थी। कहता अच्छा मौका यार, कोई देख नहीं रहा है, बीवी को साथ ले लेता हूँ, फिर तो पैसा भी मेरा, सब कुछ मेरा, बीवी तो है ही मेरे साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। अभिलाषा आई थी उसके साथ, कोई और होता तो ऐसा ऐसा ले लेता, क्योंकि अभिलाषा आई थी, लेकिन उसने कहा नहीं, मेरे मुझे परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं करना है। शैतान तो गलत मौके आपके लिए लेकर आएगा, आपको बताएगा अरे जल्दबाजी ये इमीडिएट मिल जाएगा काम, ये इमीडिएट हो जाएगा। लेकिन आप अगर अपनी अभिलाषा में खिंच कर गए, आप परीक्षा में फंस गए। हालेलुया, फंस गए आप। मैं सच कह रहा हूं, हमेशा याद रखिए कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए सिद्ध है, परमेश्वर ने आपके लिए योजनाएं बनाई हैं। आप क्या समझते हैं यहूदा इस्करियोती के लिए परमेश्वर ने योजनाएं नहीं बनाई थी? परमेश्वर ने योजनाएं बनाई थी जब पतरस के लिए बनाई है। सबको चुना, किसने चुना था? यीशु मसीह ने ही चुना था यहूदा इस्करियोती को। हालेलुया, आमीन। देखिए 22 का 21-22 पढ़िए, देखिए आप लुका 22 का 21-22। क्योंकि मनुष्य का पुत्र जो जैसा उसके लिए ठहराया गया
जाता ही है, पर हाय उस पर, उस मनुष्य पर जिसके द्वारा वह पकड़वाया जाता है। यीशु मसीह यहूदा को समझा रहा है कि तेरे अंदर शैतान आ गया है, मैंने तेरे लिए योजनाएं अद्भुत बनाई हैं। वो बता रहा है कि तेरा हाथ मेरे कटोरे पर है और हाय उस पर, मुझे तो मरना ही है, हाय उस पर जिसके कारण मैं ठोकर खाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यानी कि प्रभु की जो योजनाएं थी, प्रभु का जो प्रेम था, उसके लिए भी सेम था जो उन सब चेलों के लिए था। उसके भी पैर धोए थे यीशु मसीह ने, जो सबके पैर धोए थे, लेकिन उसके अंदर शैतान आ गया था। यूहन्ना 12:4-5-6 पढ़िए। यूहन्ना 12, जॉन 12:4-5-6। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला, जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया? उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था। आमीन। चोर, एक चेला चोर था। कौन कह रहा है? यूहन्ना, जो उसका दोस्त है, ये चोर है। क्या परमेश्वर ने उसके लिए वो योजना बनाई थी? प्रभु बता रहा है कि जो मेरे कटोरे में हाथ डाल रहा है वही है जो मुझे पकड़वाएगा। उसको समझा रहा है कि मुझे सब कुछ पता है। देखिए, जब आप चेले हैं और आप पाप में पड़ते हैं, पवित्र आत्मा आपको चेतावनी देता है। पास्टर के थ्रू, वचन के थ्रू आपको चेतावनी मिलती है कि अपने आप को संभालो, संभालो, संभालो। लेकिन इंसान कहता नहीं। क्या किया उसने? यहूदा के लिए उसने, अरे कुछ नहीं होगा, जाओ, और 30 दिनार ले लिए उसने। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु की योजना क्या थी? उसके लिए स्वर्ग, उसके लिए मुकुट। मैं तो सोचता हूं कभी कभी कि पौलुस ने जितनी भी पत्रियां लिखी हैं, परमेश्वर चाहता था कि यहूदा इस्करियोती लिखे। यहूदा इस्करियोती हटा तो परमेश्वर पौलुस को लेकर आया। आप अगर चुने हुए हैं और आप अगर परमेश्वर के अनुसार नहीं चल रहे हैं, आप ये मत सोचिए कि परमेश्वर का काम सफर होगा। वो किसी और को उठा लेगा, वो किसी और को पकड़ लेगा। आप नहीं पकड़े जाएंगे तो वो किसी और के थ्रू काम करा लेगा, किसी को भी बुद्धि दे देगा। अगर आप नहीं काम करें, आप कहते हैं मैं हूं तो चर्च चलेगा, मैं हूं तो ये होगा, कुछ नहीं होगा। आप कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं है। यहूदा इस्करियोती के लिए परमेश्वर की योजना है। वो बता रहा है समझ जा, वो नहीं समझ रहा है। आप सोचिए, एक बार यहूदियों ने फारसियों ने कहा कि साहब तुम कर्ज देते हो, तुम और तुम्हारा गुरु कर देता है कि नहीं देता है? और उसने आकर कहा, यीशु मसीह वो कर मांग रहे थे, यीशु मसीह ने कहा जा मछली के पास जा और उसका मुंह में हाथ डाल, वो तुझे सिक्का देगी और जाके कर चुका दे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये योजनाएं हमारे लिए है। अलौकिक रूप से परमेश्वर ने हमारे लिए योजनाएं बनाई हैं। वही चेला था ना पतरस, और वही चेला था यहूदा इस्करियोती। यहूदा इस्करियोती चोरी कर रहा था और पतरस को मछली के मुंह से आशीष मिल रहा था। क्या उसे कमी हुई? क्या पतरस भूखा मरा? क्या यहूदा के 40 दिनार काम आए? नहीं आए। किसके लिए आप दुख उठा रहे हैं? किसके लिए आप चोरी कर रहे हैं? अरे प्रभु की योजना है, वो आपको भूखा नहीं मारेगा। अपनी बुद्धि का उपयोग मत करिए, वो आपसे प्रेम करता है, इसको मत भूलिए। और उसका प्रेम स्थिर है, अडिग है, चेंज होने वाला नहीं है। उसकी योजनाएं आपके लिए अद्भुत हैं। वो आपको नहीं छोड़ेगा, नहीं त्यागेगा। आपको पता है उड़ाऊ पुत्र? उड़ाऊ पुत्र के बारे में पता है? लूका 15:16-20 के बीच में हम पढ़ेंगे किस तरीके से उड़ाऊ पुत्र अपने पिता से पैसा छीन कर चला गया कि मेरा हक दो बाप, डैड मेरा हक दो। पिता ने दे दिया। गया दूसरे शहर में, गया
वैश्यावृत्ति की, शराब पिया, सब कुछ किया, पैसे उड़ा दिए। और एक दिन ऐसा आया कि वो सुअरों का खाना खाने लगा, इतनी बुरी हालत हो गई कि सुअर का खाना खाने लगा। तब उसे क्या याद आया? अपने पिता का प्रेम। कौन वापस लेकर आया उसको? अपने पिता का प्रेम। पढ़िए बेटा 16 से पढ़िए। और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। उसे जब याद आया कि मेरा पिता कितना दयालु है। आगे पढ़िए। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, रुको, हे पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। मैं अब तेरा पुत्र कहलाने के योग्य न रहा, मुझे अपना एक मजदूर समझ कर रख ले। वो उठकर अपने पिता के पास चला गया, परंतु जब वो अभी दूर ही था, उसके पिता ने उसे देखा और उस पर तरस खाया, और आता उसने दौड़कर उसे गले लगाया और चूमा। हालेलुया। पिता के प्रेम को जान गया था वो कि मैं जाऊंगा तो मेरा पिता मुझे गले लगा लेगा। मैंने गलती की है और गलती करके मैं पश्चाताप करूंगा और बुला पुकारूंगा तो मेरा पिता मुझे गले लगा लेगा। आप शैतान आपको बोलता है आपने गलती की है, आप कुछ नहीं हो सकता, तुम गए खत्म, आप तुमने पाप किया, व्यभिचार कर लिया है, अब तुम्हें परमेश्वर नहीं निकाल। नहीं, ऐसा नहीं है, वो पिता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप रोज गलती करें और रोज पिता के सामने आए। नहीं, प्रेज द लॉर्ड। क्या था उस उड़ाऊ पुत्र के पास? आशा कि मेरा पापा है, मेरा पापा है, मैं जाऊंगा अपने पापा के पास और कहूंगा, पापा मुझे माफ कर। और जैसे ही वो गया, पिता दौड़ कर आया, उसने उसे गले लगाया और चूमा। क्यों चूमा? क्योंकि पिता की योजना, पिता का प्रेम उसके लिए सिद्ध है, सिद्ध था उसके लिए प्रेम। आपके लिए परमेश्वर का प्रेम सिद्ध है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन आप उसके पास आ ही नहीं रहे, आप उसके अनुसार चल नहीं रहे, इसलिए आपको लगता है कि वो मेरे साथ नहीं है, इसलिए आप संदेह में हैं, इसलिए आप भय है, इसलिए आप डर में, कल मेरा क्या होगा, परसों मेरा क्या होगा। क्यों डर है आपके पास? आपका पिता जो स्वर्ग में है, उसकी आपके लिए अद्भुत आशीषित योजनाएं हैं। बस प्रार्थना में रहिए, जो मैं यहां वचन बोलता हूं उसके अनुसार चलिए। बस मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं, अगर आप आज से उन वचनों को जो मैं आपको बताता हूं उसके अनुसार चलेंगे, 6 महीने में आप देखिएगा आपकी आपकी जिंदगी का स्वरूप देखिएगा 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर। इन वचनों में वो ताकत है। आप नहीं जानते मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं इन वचनों की ताकत। पिता का प्रेम सिद्ध है, वो आपसे बहुत प्रेम करता है, बहुत। आप सोच नहीं सकते इतना प्रेम करता है, आप सोच नहीं सकते वो इतना ख्याल करता है कि जब आप अपनी मां की कोख में नहीं थे तब से वो आपको प्यार करता है। इसलिए उसके प्रेम को हमेशा अपना बना के रखिए, हमेशा याद रखिए कि कुछ भी हो, आप परीक्षा में हैं, बीमारी में हैं, हमेशा याद रखिए जैसे अय्यूब ने किया था कि मैं जब खरा निकलूंगा मैं सोने जैसा निकलूंगा, मेरा पिता मुझे थामेगा। और क्या हुआ अय्यूब में? आखिरी में देखिएगा, अय्यूब जब प्रभु में था, उसके दोस्तों के लिए उसने प्रार्थना की और उसको डबल पोर्शन में आशीष मिला, हर चीज डबल मिली, हर चीज अय्यूब को डबल मिली। यही योजना प्रभु की है, यही यीशु की योजना आपके लिए, डबल पोर्शन का आशीष, डबल पोर्शन का आशीष। यूसुफ अपने पिता के प्रेम में स्थिर था, यूसुफ जानता था कि मेरे पिता का प्रेम मेरे लिए है, वो परमेश्वर के प्रेम के अनुसार चलता रहा, उसकी योजनाओं के अनुसार चलता रहा, उसके वचनों के अनुसार, उसकी वाचा के अनुसार चलता रहा, और परमेश्वर ने 13 साल के बाद उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया।
आप सच्चाई के संग चलिए, ईमानदारी के संग चलिए, प्रभु के वचनों के अनुसार चलिए, आप देखिए परमेश्वर आपको ऊंचाई पे लेके जाएगा। बस और कुछ नहीं चाहिए। अगर आप चाहते हैं ऊंचाई पे चढ़ना, आपके हाथ में। मैं आपको चैलेंज करता हूं, ये वचन अपने अंदर बसा लीजिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन सुनकर आपको अच्छा लगा, आशीषें मिली, जीवन बदला। हालेलुया। अहद रखिए कि आने वाले 6 महीने में मेरा स्वरूप अलग होगा। आज यहां से वचन लेके जाइए कि आने वाले 6 महीने में परमेश्वर का प्रेम मैं अपने अंदर बसा लूंगा। मैं यूं ही वचन नहीं कह रहा हूं, यूं ही मेहनत नहीं करता हूं आपके लिए, सच कह रहा हूं। मैं चाहता हूं आपका जीवन बदले, आपका जीवन भय से बदले, व्याकुलता से बदले, डर से बदले, संदेह से बदले, प्रभु के विश्वास में आ पाए। मैं चाहता हूं ये जो हमारे यहाँ सामने खाली जगह है ना, जो मोटरसाइकिल से नहीं आते मोटरसाइकिल से आए, जो कार से नहीं आते कार से आए। और ये हो सकता है अगर आप वचन पे चलें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत प्यार करता है। आज का वचन अच्छा लगा? बोलिए यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है।